हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें मैं बताने वाला हूं प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थ्योरी एग्जाम में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इसमें आज मैं इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसके अलावा इसकी डेरिवेशन, जिसमें इसके फॉर्मूले पर डिस्कशन करूंगा कैसे इसकी ब्रेक पावर निकालते हैं, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैं थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग के बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दिए सभी की प्ले लिस्ट और थ्योरी ऑफ मशीन के सारे टॉपिक की, उसमें डायरेक्ट जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी वीडियो पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं जो टॉपिक लिखा प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, इन सबका मतलब समझेंगे, इससे पहले मैं डायनोमोमीटर के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो डायनोमोमीटर क्या है, यह एक क्या मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब एक डिवाइस है जिसका यूज हम जो इंजन की पावर होती है और ब्रेक पावर होती है या टॉर्क है ब्रेक का या फिर फोर्स है, इन सबको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो डायनोमीटर का आपको यूज समझ में आ गया, इसका यूज क्या करते हैं, ब्रेक की पावर को मेजर करने के लिए, जो हमारी इंजन शाफ्ट है उसकी पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यह जो डायनोमीटर होते हैं यह डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे यह इसके दो टाइप्स हैं जो मैन वो बताते हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। एब्जॉर्प्शन टाइप का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहां पर जो हमारे इंजन को जो हमें पावर मिलती है उस पावर का यूज हम करते हैं जब हमारी जो शाफ्ट होती है या जो पुली होती है उसके बीच में और जो हमारा डायनोमीटर का सिस्टम होता है जो ब्लॉक होते हैं उनके बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करने के लिए यूज की जाती है। उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। फ्रेंड्स हीट जनरेट होती है मतलब जो हमारी एनर्जी है वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसमें हीट में कन्वर्ट होकर वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका यूज सिर्फ हम कहां करते हैं, फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करने के लिए। दूसरा फ्रेंड्स होता हुआ होता है ट्रांसमिशन टाइप। ट्रांसमिशन ब्रेक डायनोमीटर होता है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है, जो हमारी पावर होती है इंजन की उसका यूज कहां करते हैं, यहां पर इसको यूज क्या होती है, समाप्त नहीं होती एनर्जी, ये क्या होती है एनर्जी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर है या एक एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर है, मतलब एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, एक रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो आज जो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर है उसमें मैं बताने वाला हूं प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का मतलब समझ लेते हैं पहले फ्रेंड्स। तो यहां पर लिखा प्रोनी, प्रोनी क्या है फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट का नाम है, क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जिनने अपने नाम पर इसका एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें अपने नाम पर रख दिया। अब ब्रेक डायनोमीटर का मतलब होता है यहाँ फ्रेंड्स कि ब्रेक की पावर को मेजर करता है, जो डायनोमीटर डिवाइस है वो क्या करती है, ब्रेक की पावर को मेजर करती है, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ा है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। अब फ्रेंड्स इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे और वर्किंग समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर मैंने दो डायग्राम दिए, ये एग्जाम में बनाने के लिए जो कि आसानी से आप बना सकते हैं, दूसरा एक प्रैक्टिकली एग्जाम जो कॉलेज में प्रैक्टिकल होती है उसमें इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा। जिसको कंस्ट्रक्शन सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, बीच में दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर जो गोल गोल सबसे छोटा सर्कल दिख रहा है यह क्या है फ्रेंड्स, एक शाफ्ट है या क्रैंक शाफ्ट है, क्या है, इंजन की शाफ्ट है या क्रैंक शाफ्ट है, जो कि रोटेट करती है। जब इसको इंजन को चालू किया जाता तो यह क्या होती है, रोटेट करती है। यहाँ पर जो एरो से क्या दिखाया गया, यह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। इसके साथ फ्रेंड्स इस पर एक पुली कनेक्ट कर दी जाती है, क्या होती है, पुली कनेक्ट कर दी जाती है, फ्लाईव्हील कनेक्ट कर दी जाती है। इस फ्लाईव्हील को पुली को दो ब्लॉकों के अंदर शिफ्ट कर दिया था, ये ऊपर ये ब्लॉक लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये ब्लॉक बना हुआ है, एक नीचे ब्लॉक है, तो ये दो लकड़ी के ब्लॉकों के अंदर क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये ब्लॉक क्या होते हैं, एक जो स्प्रिंग नट है, ये नट दिख रहा है, यहाँ पर नट लिखा है, दो नट के द्वारा जिनके अंदर क्या है, एक हेलिकल स्प्रिंग लगी जाती है, क्या, दो हेलिकल स्प्रिंग लगी जाती है, उनके द्वारा दोनों ब्लॉकों को टाइट कर दिया जाता है, मतलब कस दिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मैंने बताया यहां पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है वन और टू, इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझेंगे, उससे भी आपको और समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे ब्लॉक हैं और जो हमारे नट हैं स्प्रिंग, इन दोनों के बीच में क्या एक लीवर कनेक्ट रहता है, क्या होता है, लीवर कनेक्ट रहता है, जिसके बोथ एंड पे, मतलब राइट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बेट लगे रहते हैं,
हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ का साइड देखा जहां एरो चल रहा है, वहां एक काउंटर बिट लगा जाता है। कौन सा काउंटर बिट? काउंटर बिट का मतलब होता है फ्रेंड्स यहां पर बैलेंस करने के लिए, क्या होता है सिर्फ बैलेंस करने के लिए बिट लगा रहता है। इसके लिए बैलेंस करने के लिए, बैलेंस क्यों किया जाता है क्योंकि यहाँ राइट साइड में भी हम एक बिट लगाते हैं। जो बिट क्यों लगाते हैं कि जिसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, किसके बीच में? पुली के बीच में और ब्लॉक के बीच में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो भी बेट लगाते हैं उसके बैलेंस के लिए यहां पर काउंटर बेट लगाते हैं। काउंटर बेट और इस बेट में जिससे हमारा संतुलन रहे और लीवर एक संतुलन की स्थिति में रहे। इसलिए फ्रेंड्स तो इतना समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसकी हम पावर को मेजर कैसे करते हैं ये समझते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है एसएस। एसएस क्या है? ये यहाँ पर दो स्टॉपर लगे रहते हैं। एसएस क्या है? दो स्टॉपर मीन्स होता है फ्रेंड्स कि जो लीवर है जब इनके बीच में जो पुली के और ब्लॉक के बीच में क्या होगा फ्रिक्शन होगा तो एक क्या होता है ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, नीचे होता है मतलब लीवर ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए ज्यादा बैलेंस ना बिगड़े तो ये उतनी लिमिटेड ऊपर जा सके उतने ही लिमिट में नीचे जा सके, इसलिए दो स्टॉपर लगा के रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी सारे पार्ट्स का विद यूज। अब मैं सीधी वर्किंग की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है, जैसे हमारी क्रैंकशाफ्ट मूव होना स्टार्ट होती है तो उसके साथ जो पुली होती है वह भी क्या होती है मूव होना स्टार्ट होती है। अब जो पुली दो ब्लॉक के बीच में क्या रहती है फिक्स रहती है, किसके बीच में? ब्लॉक के बीच में। जब ये ब्लॉक के बीच में रहती है तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या रहता है संतुलन की स्थिति में रहता है, क्या है जो लीवर है। तो जैसे ये फ्रिक्शन स्टार्ट करता है जब एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन मतलब मूव करेगी पुली तो क्या करेगी जी ऊपर की ओर धकेलेगी, किसको? जो हमारा ब्लॉक बना हुआ जो लीवर है पूरा सिस्टम बना है ऊपर वाला, इसको ऊपर की ओर खींचेगी। तो ऊपर की ओर धक्का मारेगी तो लीवर क्या होगा लीवर की स्थिति कैसी ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो हम क्या करते हैं इसका बैलेंस करने के लिए, किसका? लीवर का बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर तो वेट ऑलरेडी लगा रखा मैंने, इसमें पहले से बैलेंस कर रखा था तो हमने बैलेंस कर रखा था तो इधर का लोड वेट क्या होता कम होता तो ये ऊपर की ओर चला जाता है इस हिस्सा। तो यहाँ पर हम वेट बढ़ाते हैं, वेट धीमे धीमे बढ़ाते रहते हैं फ्रेंड्स। कितना बढ़ाते हैं? जब तक कि ये इस काउंटर वेट की ये वाला वेट कैसा संतुलन की स्थिति में ना आ जाए और यहाँ पर एक प्रॉपर क्रिएट फ्रिक्शन ना होने लगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है फ्रेंड्स फ्रिक्शन होने लगता है। तो जब जैसे ही संतुलन की स्थिति में आती है तो ये जो बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो ये जो पुली मूव हो रही उसका हम क्या करते हैं टैकोमीटर से जो रिवॉल्यूशन है इसके वो पर मिनट काउंट करते हैं। मतलब टैकोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी के रिवॉल्यूशन मतलब चक्करों की संख्या को काउंट किया जाता है। तो उस टैकोमीटर से जो हम एक मिनट में कितने चक्कर मार रहा है फ्रिक्शन की स्थिति में और इस वेट की स्थिति में वो हम काउंट कर लेते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं इसकी हम क्या निकालते हैं ब्रेक पावर निकालते हैं। ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स इसकी थोड़ी एक डेरिवेशन की टाइप में समझते हैं और उसका फॉर्मूला समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या है कंसीडर कर लेते हैं कि W क्या है यहाँ वेट है, L क्या है इस सेंटर से जो हमारी शाफ्ट है उसके सेंटर से जहां पर वेट लगाया हुआ वहां तक की क्या है दूरी एल मान ली। F क्या है फ्रिक्शन फोर्स है जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है, किसके बीच में? जो हमारी ब्लॉक है और जो हमारी पुली है उन दोनों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ अपोजिट लगता है, जिस ओर क्या हो रहा है हमारी रोटेशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्शन जो ये क्या करता है स्पीड को कम करने की कोशिश करता है तभी ब्रेक लगते हैं। आर क्या रेडियस है किसकी पुली की, एन क्या होती है फ्रेंड्स स्पीड है जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है रिवोल्यूशन पर मिनट में हमने बताया इसको टैकोमीटर से हम नोट कर लेते हैं। अब जो ब्रेक पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर मिनट अपॉन 60 क्यों होता है पर मिनट क्या है मतलब एक मिनट में किया गया कार्य क्या होता है एक मिनट में किया गया कार्य। अब 60 क्यों डिवाइड किया क्योंकि हम ये क्या था पर सेकंड में, क्योंकि पावर हम किस में निकालते हैं वाट में निकालते हैं जबकि वर्क डन क्या होता है जूल, तो जूल पर सेकंड इक्वल टू क्या होता है वाट होता है। तो वाट हमें ये यहां पर क्या होती पर मिनट वर्क डन निकालते तो उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर 60 का डिवाइड कर देते तो हमारा वर्क डन क्या होता है जूल पर सेकंड हो जाता है, वो जूल पर सेकंड क्या होता है वाट होता है। तो समझ के मैं आ गया फ्रेंड्स ये 60 क्यों डिवाइड किया सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि वर्क डन किस में है मिनट में। अब इसको हम वर्क डन में क्या करें क्योंकि पर रिवॉल्यूशन हो रहा है रिवॉल्यूशन क्या होता है 2πn क्या होता है फ्रेंड 2πn तो जो वर्क डन निकलता है उसको वर्क डन को डायरेक्ट में पुट करता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं जो ब्रेक पावर होती है वर्क डन पर मिनट क्या होता है 2πn(t) क्या होता है 2πn(t) 2πn क्या है एक मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को 2π क्या करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्योंकि पाई होता है 180 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना तो 360 2π क्या शो कराता है एक चक्कर कंप्लीट। n क्या होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड t क्या होता है टॉर्क होता है क्या होता है टॉर्क। ठीक है फ्रेंड 60 क्यों डिवाइड किया ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है कैसा पर मिनट में निकाला तो उसमें पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए।
अब फ्रेंड्स यहां पर अगर मुझे रिवॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हम टैकोमीटर का यूज करके इसकी पावर में यहां पर इससे टच करके इसके हिसाब से हम उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक मिनट, तो हम यहां उसको पुट कर देंगे। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, टॉर्क क्या होती है जैसा कि हम जानते हैं फोर्स इंटू रेडियस होती है वैसे, लेकिन यहां पर इसके क्या वेट से निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका इसकी मूवमेंट क्या ले लेंगे, मूवमेंट ले लेंगे, क्या हो जाएगा जो लोड इनटू क्या हो जाएगा यहां तक की डिस्टेंस, मतलब डब्ल्यू इंटू एल। तो फ्रेंड्स टॉर्क जैसे निकालने के यहां फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क निकालेंगे जब भी न्यूमेरिकल में यहां पर दिखाना चाहते हैं तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए लोड इंटू सेंटर तक की डिस्टेंस जो भी गिवन हो। इस तरह फ्रेंड्स न्यूटन मीटर भी फ्रेंड्स क्या होता है जूल के बराबर होता है, क्या होता है जूल, न्यूटन मीटर क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाती है जूल पर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाती है वाट हो जाती है। तो ब्रेक पावर किसमें, वाट में हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको समझ में आया होगा ये पुरानी ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।